देखो रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं इंदौर एयरपोर्ट पे, मैं और डॉक्टर आंचल। और अरे हेलो हेलो, तो हम लोग अब जा रहे हैं मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पे। डॉक्टर आंचल तो बहुत बार आ चुके हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बाली। और मुझे बाली जाते हुए एकदम नील वी काम जैसा लग रहा है। अब डॉक्टर आंचल पूछ रही थी कि नील वी काम क्या है, तो नील आर्मस्ट्रांग का उल्टा है। सेंसर हो जाएगा? नहीं, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल? अरे यार ठीक है। हम फिर अब हमारी यहाँ से कोलकाता की फ्लाइट है, और फिर कोलकाता से वाया कुआलालंपुर टेन पसीर बाली की फ्लाइट है। तो हम बेसिकली मलेशिया भी जा रहे हैं। भले हम वहाँ पैर नहीं रख पाएँ तो क्या, पैर तो रख पाएंगे ना, 3 घंटे के लिए हम पैर रख पाएंगे वहाँ पर। हाँ, और मेरा कहीं पर भी फुटमार्क छोड़ने का तरीका है कि वहाँ पाद आओ। एक बार वहाँ आपने पास दिया तो आप वहाँ के पूरी हवाओं में बस गए हो हमेशा के लिए। ओके, तो हम लोग यहाँ कोलकाता एयरपोर्ट आ चुके हैं। इट इज़ वेरी अनोइंग, यहाँ पर कोई टैक्सी वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये लंबी सी लाइन लगी हुई है, 45 मिनट्स हो गए हम लोग को यहाँ बैठे हुए। ओला ऊबर कुछ भी नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने अपनी एक ऐप निकाली यात्री साथी नाम की, और उसको प्रमोट करने के लिए दे हैव जस्ट रिफ्यूज ऑल द ड्राइवर्स टू कम इन हियर और यहाँ पर आकर बुक करने के लिए। तो हम लोग डायरेक्टली कोई टैक्सी ले ही नहीं सकते, हम लोग को वेट ही करना पड़ेगा। हम 45 मिनट से वेट कर रहे हैं चार अलग अलग ऐप में एक्चुअली वेट लाइन लगा के, लेकिन किसी भी ऐप से कोई कैब नहीं आई है। फाइनली हमें होटल की शटल जो कि दुगना प्राइस ले रही है वही बुक करनी पड़ी हमें। सो गाइस, हम लोग यहाँ होटल में अपने पहुँच चुके थे कल रात को। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था। लेकिन कल रात को हमने डिनर किया, आंचल को तो भूख लग रही थी, मैंने तो ज़बरदस्ती खाया। मैं खाता ही हूँ अच्छा टेस्टी खाना, ज़बरदस्ती खाता हूँ मैं तो। खाया तो इतना मस्त खाना था। बाय द वे, दिस इज़ एथनोटेल, और हम यहाँ पर 2 दिन के लिए रुके हैं, मतलब कल रात से लेकर आधा रात के लिए तक, क्योंकि आधा रात को हमारी फ्लाइट है। और अभी हम लोग, अब इतना सारा टाइम है तो हम सोच रहे हैं कि कोलकाता में जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो घूमाएं, और थोड़ा एक दो रेस्टोरेंट जो ऑथेंटिक है वहाँ चले जाएं। सो अच्छा, एक और बात मैं ये बताना चाह रहा था कि ये हमारी हनीमून ट्रिप है, क्योंकि हमारी शादी हुई थी कोविड के टाइम पे, एकदम क्लोज्ड वेडिंग, जिसमें मुश्किल से 50-75 लोग हमने इनवाइट किए थे। फिर उसके बाद में हमें लगा कि जो कोविड ड्यूटी थे उसके लिए हमारी ज़रूरत भी हमारे रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में, रेस्पेक्टिव क्या, हम सेम इंस्टीट्यूट में थे। तो फिर हम लोग ने विद इन 6-7 डेज हमारी पूरी की पूरी वेडिंग निपटाई, एंड वी डिडंट गो टू अ हनीमून। सो दिस इज आर हनीमून 2 years लेटर। सो ये तो हम ये सोनारतोरी रेस्टोरेंट आ चुके हैं। इट लुक्स रियली ऑथेंटिक एंड नाइस। द ओनली प्रॉब्लम आई हैड एट सोनारतोरी रेस्टोरेंट वाज दिस, ये दोनों टॉयलेट के बाहर लगे हुए हैं, एंड नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि विच वन इज़ फॉर हिम एंड विच वन इज़ फॉर हर। ओके, सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ सोनारतोरी, वेरी ब्यूटिफुल। अब हम लोग सोनारतोरी से निकल कर विक्टोरिया मेमोरियल जा रहे हैं, और सोनारतोरी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। वहाँ के वेटर्स आर अमेजिंग, लाइक अमेजिंग, फूड वो सो यम, बहुत ही बढ़िया। मतलब वी ऑर्डर्ड समथिंग सेमी ग्रेवी, तो जो वेटर था उसने बोला कि आप थोड़ा सा मतलब चावल इससे ले सकते हो, तो हम लोग थोड़ा मूड में नहीं थे चावल के उस टाइम पे। फिर जब डिश आई सामने तो लगा कि यार थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, तो उसको हमने बोला कि यार मतलब राइस दे दो, तो आउट ऑफ कर्टसी ओनली ही सर्वड अस सम ऑफ द राइस, मतलब उसने बिल में भी ऐड नहीं किया उसको। हाँ, स्वीट डिश भी हमने, डेजर्ट हम लोग की भूख ही नहीं बची थी डेजर्ट की, तो उसने वो छोटा सा संदेश, बहुत ही यम था वो भी। Maybe it was complimentary, maybe it was not, but we really enjoyed it. It was. I mean, complimentary से मेरा मतलब है कि maybe the hotel provided by
वो होटल हो सकता है, खुद ही देखता हूँ। एट विक्टोरिया मेमोरियल, और ये यहाँ का जो गार्डन है वहाँ पर एडवर्ड द 7th की वो है स्टैच्यू, ये डॉक्टर आंचल, और ये यहाँ का पूरा गार्डन क्वीन विक्टोरिया की याद में लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था, जो कि यहाँ के वाइस रॉय थे 1906 में। तो उन्होंने हाँ, तो फिर हम नहीं देंगे, तो देने वाला था बाकी। बाकी बहुत सुंदर है यहाँ, लेक वगैरह सब कुछ है, और आगे देखेंगे हम। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, एंड दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल, देखो आप सब आर्किटेक्चर पूरा। ये पूरा जो है जो संगमरमर की क्वालिटी से ताजमहल बना था, सेम वही क्वालिटी है। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द स्टैचूज आर। ये मैरी एक्चुअल में ऐसी ही दिखती होगी भाई। देखो क्वीन विक्टोरिया के ऑनर में बनाया है। कोहिनूर तो वापस चाहिए हमें, सोर्ड ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। ऐसे देखने में कितना नॉर्मल लगता है जब आप, लेकिन उसको हिस्ट्री के साथ एसोसिएट करते हो। ओहो हो हो, ये जो बीच में भाला है ना, पोटैटो ट्विस्टर बनाने के काम आता है ये। किंग जॉर्ज द 5th की वो एकदम लाइफ लाइक स्टैचू। यहाँ पर एक बहुत ही जायंट ऐस पेंटिंग है, टू गिव यू द पर्सपेक्टिव, लुक एट दिस। बड़ी छुटकी सी आंचल अपनी, इतनी बड़ी पेंटिंग, बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं यार। देखो क्या धूप वगैरह सब क्या सही दिख रही है इसमें। तो हम लोग यहाँ कोलकाता एयरपोर्ट पे आ गए हैं, और तुम्हारे भाई के पासपोर्ट पे पहला थप्पा लग गया है। ये तो वैसे ही इंटरनेशनल ट्रैवलर रह चुकी है, और हमको कोलकाता का एयरपोर्ट बहुत ही ब्लैंड सा लग रहा है, इससे तक का इंदौर का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। सीरियसली यहाँ पर कुछ भी नहीं है डब्ल्यू एच स्मिथ के अलावा, खाने पीने के लिए भी अच्छे से जगह नहीं है, बस वाओ चाइना और एक और कोई सा है। मतलब वहाँ पर भी वेज मिलता है ना, वो खाते हैं। अच्छा वही तो करेंगे, हमारी पसंद का तो रहता है वो। सिम कार्ड भी मिल रहे हैं। Hey guys, this is my, these are my first steps on international lands, outside India. Seriously. And we are at the Malaysian airport, Kuala Lumpur. It's really nice, as you can see. अच्छा है, खूब घूमने फिरने को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, तो we'll just go and explore. मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी नींद नहीं हुई है मेरे को। मतलब आंचल तो सो भी ली थी, मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई यार, पता नहीं क्या है। सो आई एम जस्ट रियली 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 टायर्ड। ये हमारे पिंटू गेट है यहाँ, और यहाँ हमारे पिंटू जी रहते। पिंटू देखो, ये कैप्सूल ट्रांजिट है, यहाँ पर ऐसे छोटे से कैप्सूल टाइप के मिल जाते हैं आपको, जैसे ये दिख रहे हैं, ये हर एक अलग अलग छोटा छोटा, इसके अंदर आप सो सकते हो मस्त। ये तो हम बचपन से ही है। सो वी आर एट दी बाली एयरपोर्ट, बहुत ही सुंदर बना है ये, ऑल्दो कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, कि धीरे धीरे करके और इवॉल्व होगा अभी तो, पर मस्त बने लगा है। या वी आर सो एग्जॉस्टेड,
अब बस होटल पे जाके थोड़ा खाना वाना खाएं, आराम करें मस्त, फिर घूमने निकलेंगे। सो वी आर एट द बाली एयरपोर्ट, लुक एट दिस, वाटरफॉल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, लुक्स वेरी नाइस। तो हम लोग कैब से जा रहे हैं अपने होटल, फिर वहाँ से हम लोग करेंगे टू व्हीलर और फिर घूमेंगे पूरी सिटी। ओके, तो हम लोग हमारे रिजॉर्ट में आ गए हैं, एयरबीएनबी है बेसिकली, और डॉक्टर आंचल आपको गाइड करेंगी पूरा। चलो, बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है और चारों तरफ उनके पास सिर्फ 3 houses हैं, मतलब रूम्स हैं जो ये अलॉट करते हैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी पर। और ये जैसे ये एक एरिया है, ऊपर वहाँ पर टेम्पल है। सो वी आर हियर एट द एंट्रेंस एंड दिस इज मैरी एंड योगा, द ओनर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। दे आर लाइक वंडरफुल पीपल, वेरी स्वीट एंड हेल्पफुल। एक्चुअली ही इज माय ब्रदर, योगा इज देयर। ओह ओह, माय बैड माय बैड। चलो डॉक्टर आंचल, तो अब हम अंदर आते हैं। किचन है जो, अरे आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर आंचल। स्मॉल शेयर्ड किचन है ये, एवरीबॉडी हु इज इन एयरबीएनबी कैन यूज दिस किचन। इट्स लाइक अ लिटिल कोजी प्लेस, इट हैज लाइक अ लिटिल बिट ऑफ पैंस एंड अ रेफ्रिजरेटर एंड अ गैस एंड दे हैव लाइक अ मेन्यू। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्शन, इट्स लाइक एन इंफिनिटी सॉर्ट ऑफ, लाइक एन इंफिनिटी पूल। या हां, इट इज एक्चुअली एन इंफिनिटी पूल, वेरी प्रीटी। And we can't wait to get inside. हाँ बस अब हम लोग तो come and lie down after you have a nice bath. You can just chill. It's the very छोटी and sweet. हाँ वहाँ बात ले रहे हैं तो हम लोग ऊपर से शूट भी कर सकते हैं उन्हें, पर वो फिर फैमिली फ्रेंडली नहीं रहेगा। ओह हाँ, ये after you come from the pool people usually take a shower, right? Yeah. And it's just green. You can just see that it goes on and it's just greenery. A lot of yeah. Which is like really pretty. So beautiful. This is like our room. Jai Shri Ganesh. आ जाओ। Hey, हमारा room खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। ये भी कोई भगवान जी रखते हैं। Hey, इसमें loss की light आ रही है। Wi-Fi में Wi-Fi नहीं चल रहा होगा अभी। This is our room. Look at this. कितना सुंदर room है भाई। It's a very huge room. Yeah. वेरी बिग रूम। हमारे होटल में भी इतने बड़े कमरे नहीं होते। होटल में तो छोटे छोटे कमरे थे एंड दिस इज आवर बाथरूम। दिस इज अ कवर्ड, इट्स वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। अरे यहां ये कम वार्ड है, हमारा पॉटी करते हैं इसमें। ये ब्यूटीफुल सा कवर्ड है, वेरी नाइस, लाइक वुडन फर्निश पॉलिश जैसा, बिल्कुल भी पुराना ही नहीं लग रहा है। हां ये बहुत नई प्रॉपर्टी ही होगी। नहीं, इट्स नॉट। हां it's a pretty old property and she is a super host, like jo log airbnb use karte hain they know that a super host is someone who gets voted like 5 stars by all of the people who have been listening. So she's the super host. Yeah, that's it.